हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल रेसिपी विथ मधु में आप सभी का वेलकम है। फ्रेंड्स, तो मैं आज बिहारी स्टाइल अनरसा रेसिपी बनाकर आपको दिखाने जा रही हूँ। वो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसको चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने एक कटोरी चावल का आटा ले लिया है। इसको मैंने खुद से घर पर ही इसको पीसा है आटे को, और फिर उसी कटोरी का आधा कटोरी मैं चीनी ले लूँगी और एक मिक्सर जार में पीस कर ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए, यहाँ पर हमारी चीनी पिसा गई है और मैं इसी चावल के आटे में इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। फिर यहाँ मैं 4 चम्मच घी ले लूँगी और हल्का टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूँगी इसमें। फिर इसमें अच्छे से इन सभी को मैं मिक्स करूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देती हूँ ताकि हमारा मिक्सर काफ़ी अच्छे बन सके, और इन सभी को मिलाकर अच्छे से वो मिक्स करूँगी। फिर थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालकर हल्का हल्का इसको मिलाऊँगी। एक ही बार में सारे पानी नहीं डालनी फ्रेंड्स, नहीं तो हमारे चावल के आटे का मिक्सर ख़राब हो जाएगा। इसको थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है। देखिए, यहाँ पर हमारा थोड़ा थोड़ा चावल का आटा देखिए, यहाँ पर हमारे आटे थोड़ा बिल्कुल बनने लगे हैं। ये देखिए, मैंने पूरे आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए कितने अच्छे इसके डो बने हैं। इसी तरह से नज़ारा टाइट ज़्यादा रखना है, क्योंकि आटे को ढक लगोगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद हटाऊंगी तो हमारी मिक्स बिल्कुल रेडी हो गई है बनने के लिए अनरसा रेसिपी है। अब इनको एक बार फिर से मैं इसी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स काट कर इस तरह से गोल कर बढ़िया से इसको टिक्की जैसा एक शेप दे दूँगी। फिर एक कर इन सभी को मैं इसी तरह से बॉल्स बना लूँगी अच्छे से बॉल्स मिक्स करके। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए मैंने सारे बॉल्स बना लिए। देखिए, अब मैं यहाँ प्लेट में तिल ले ली हूँ। फिर इसको इसी तरह से दबा दबा कर सभी टिक्कियों को इसमें मिक्स कर दूँगी। फिर एक टिक्की लेकर इसको हल्का सा प्रेस करूँगी, ज़्यादा मतलब इसको पतला नहीं करना, बिल्कुल हल्का ही इस तरह से बेलन लगाना है। और साइड की जो है थोड़े से फटे फटे इसको अच्छे से मैं इसको चिपका दूँगी ताकि हमारे तलते वक्त फ्राई करते वक्त हमारी अनारसा ख़राब ना हो। ये देखिए इस तरह से, मैं इनको एक प्लेट में रख दूँगी। अब इसी तरह से मैं सारे बॉल्स को तिल के साथ मिलाकर और हल्का सा प्रेस कर इनको अनरसा शेप दे दूंगी। देखिए, मैंने यहाँ पर सारे अनरसा तैयार कर लिए फ्राई करने के लिए। अब मैं एक पैन में तेल गरम करके उसमें एक एक करके अनरसा डालूंगी। तेल हमारी ज़्यादा गर्म नहीं होने चाहिए यहाँ से, नहीं तो हमारी अनरसा यहाँ पर टूट सकती है। फिर हमारी ये जो नीचे के साइड थोड़ी थोड़ी पक चुकी है, अब इसको फोक की मदद से दूसरे साइड पलट कर इसको इसी तरह से पका लेंगे। देखिए, यहाँ पर हमारी अनरसा पक गई दोनों साइड से। देखिए कितने अच्छे लग रहे दिखने में। हमें इनको एक करछी की मदद